top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. Related हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने इस चीज के बारे में सुना होगा कि जब इस देश के अंदर नोटबंदी लागू की गई उसके बाद जगह जगह अखबारों के अंदर मीडिया की रिपोर्ट्स के अंदर टेलीविजन चैनल्स के अंदर और आप खुद भी अगर आसपास निकलते होंगे तो अक्सर आपको ऐसा माहौल देखने को मिला होगा कि लोग डीमोनेटाइजेशन के इफेक्ट्स को बहुत अच्छी तरह नहीं ले रहे लोग काफी परेशान हैं लोगों के धंधे डूब रहे हैं लोगों की नौकरियां चली गई जो लोग दिल्ली बॉम्बे बड़े महानगरों में काम करते थे उनकी नौकरियां चली गई वो अपने गांव के अंदर पलायन कर रहे हैं बहुत सारे लोगों की जान गई यहां तक कि शादी ब्याह तक के भी काम लोगों के रुक गए और मोटे तौर पे ये माहौल था कि लोग इस नोटबंदी से खुश नहीं काफी परेशान मगर एक खास बात जो देखने में आई वो ये थी कि नोटबंदी के बाद जितने भी चुनाव देश के अंदर हुए चाहे स्टेट्स के अंदर हुए चाहे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर हुए उन सभी चुनावों के अंदर जो रिजल्ट्स आए ज्यादातर के अंदर बीजेपी की अच्छी खासी जीत हुई और ये वो पीरियड था इसी दौरान इस तरीके की खबरें भी बहुत सारी आनी शुरू हुई कि कहीं पे ईवीएम मशीन खराब हो गई कहीं पे ईवीएम मशीन के अंदर कोई स्नैक आ गया उसी दौरान ऐसी खबरें भी आई कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर कोई कैंडिडेट ने चुनाव लड़ा और वो बोल रहा है कि भाई मेरे और मेरे परिवार के 26 वोट हैं सबने मुझे वोट डाला मैंने खुद को अपना वोट डाला मेरा वोट भी इस मशीन से गायब हो गया चोरी हो गया इसी दौरान इस तरीके की भी खबरें आई धौलपुर से खबरें आई कि 18 पोलिंग मशीन पोलिंग बूथ के ऊपर जो मशीनें थी वो खराब थी भिंड से खबरें आई और बहुत सारे लोगों ने वीडियो देखा कई अखबारों के अंदर छपा कि खराबी कुछ इस तरीके की हो रही थी उन मशीनों के अंदर कि आप कोई भी बटन दबाएं आपका जो वोट था वो बीजेपी पे जा रहा था मोटे तौर पे चुनाव आयोग की तरफ से या भाजपा की तरफ से क्योंकि ज्यादातर क्लैरिफिकेशन या तो चुनाव आयोग देता है या भाजपा देती है कोई और पार्टी कोई और संस्था इसके लिए बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है ज्यादातर क्लैरिफिकेशन के अंदर यह आता है कि कोई टेक्निकल खराबी थी और ये कभी एक्सप्लेन नहीं किया गया कि इस तरीके की टेक्निकल खराबी कैसे हो रही है कि मशीन के अंदर ऐसी ही खराबी होती है जिसका फायदा सिर्फ बीजेपी को मिलता है खराबी चाहे धौलपुर में हो चाहे भिंड में हो उसका फायदा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को मिल रहा है और ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है कि बीजेपी के पास ही इस देश की सत्ता है तो मोटे तौर पर जब ये बहस चल रही थी तो दो सवाल थे जो लोगों के मन में थे और वो सवाल बार बार उठ रहे थे वो दो सवाल ये थे पहला कि क्या ईवीएम मशीन टेम्पर हो सकती है और दूसरा अगर हां तो क्या इन चुनावों के अंदर ईवीएम मशीन टेम्पर हुई है ये दो बड़े बड़े सवाल थे परसों हमने दिल्ली विधानसभा के अंदर ईवीएम मशीन के एक रेप्लिका को टेम्पर करके दिखाया जनरली चुनाव आयोग बार बार ईवीएम मशीन को टेम्पर ना होने की जो दलीलें देता था वो ये था कि भाई ये जो ईवीएम मशीन है एक स्टैंड अलोन मशीन होती है ये किसी नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं होती इसमें मोबाइल फोन की तरह कोई सिम नहीं होता इसलिए इसको टेम्पर करना बहुत मुश्किल दूसरी दलील जो चुनाव आयोग देता था या बीजेपी के लोग देते थे वो ये थी कि क्योंकि चुनाव से मात्र 10 दिन पहले ही ये डिसाइड होता है कि कौन सी पार्टी का कैंडिडेट कौन सी मशीन के कौन से बटन पे बैठेगा कौन सा बैलेट नंबर उसको मिलेगा इसलिए ये ईवीएम मशीन पहले से टेम्पर कर दे इसकी संभावना नहीं हमने दोनों ही चीजें कल या परसों कहे तो विधानसभा के अंदर दिखाई डेमोन्स्ट्रेट की लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया कि दोनों ही चीजों के अंदर हमारी मशीन भी स्टैंड अलोन मशीन है और हमारी मशीन भी उस वक्त
हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमको उस मशीन के अंदर कौन से कैंडिडेट को जिताना है और हम उसको जिता सकते हैं एक सीक्रेट कोड डाल के। अब जो दूसरा बड़ा सवाल है वो ये है कि चलिए भाई आपने दिखा दी कि मशीन टेंपर हो सकती है, मगर क्या मशीनें टेंपर हुई हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब देने आज हम आपके सामने आए। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 10 बजे मीटिंग रखी गई, हमने इसका बहुत साधारण तरीका अपनाया, इसके अंदर बहुत कॉम्प्लिकेशंस करने की जरूरत नहीं है। बहुत साधारण तरीके से हम लोग ये बता सकते हैं कि क्या मशीनों के अंदर गड़बड़ी हुई है या नहीं हुई है। हम ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की देखरेख के अंदर आप एक कमेटी बना दीजिए, उस कमेटी के अंदर आप सभी पॉलिटिकल पार्टीज के एक एक रिप्रेजेंटेटिव को डाल दीजिए, उसके अंदर इलेक्शन कमीशन के भी रिप्रेजेंटेटिव को डाल दीजिए, हमारी टेक्निकल टीम की एक्सपर्ट, हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स की एक टीम उस कमेटी को ये दिखा देगी, ये साबित कर देगी कि कैसे पिछले चुनाव के अंदर ईवीएम के अंदर धांधली हुई। अब आप ये पूछेंगे कि कैसे बताया जा सकता है। मान लीजिए हम समाजवादी पार्टी से बात करेंगे, हम उनसे पूछेंगे कि आप उत्तर प्रदेश के अंदर 5 बूथ बता दीजिए, कोई 5 बूथ बता दीजिए जहां पे आपको लगता था कि आपके वोट ज्यादा आने चाहिए थे मगर आपके वोट बहुत कम आए और आपको उन 5 बूथों पे सबसे ज्यादा शक है कि यहां पे तो पक्का टेंपरिंग हुई है। हम यही बात मायावती जी की पार्टी से पूछेंगे कि आप उत्तर प्रदेश के अंदर 5 कोई बूथ बता दीजिए जहां पे आपको लगता है, बसपा के लोगों को लगता है कि वहां टेंपरिंग हुई है। हम उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड में पूछ लेंगे 5 बूथ। हम इसी तरीके से पुणे के अंदर जहां म्युनिसिपल इलेक्शन हुए, जहां की मशीनों को जब्त करने के आदेश मुंबई हाईकोर्ट ने दिए, जहां की मशीनों की फॉरेंसिक एग्जामिनेशन करने के लिए हाईकोर्ट ने कहा है, हम वहां पे कोई 5 बूथ मांग लेंगे कि आप कोई 5 बूथ बता दो जहां पे आपको सबसे ज्यादा शक है कि यहां टेंपरिंग हुई है। हम इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त करेंगे कि इस कमेटी के सामने इलेक्शन कमीशन की देखरेख में हमें उन बूथों की जो ईवीएम मशीन इस्तेमाल हुई है वो मुहैया कराई जाए। जो लोग चुनाव की प्रक्रिया को जानते हैं वो मानते होंगे और उन्हें पता होगा कि जैसे ही वोटर किसी भी बूथ के अंदर वोट डालने के लिए आता है, सबसे पहले वो अपना वोटर आईडी कार्ड दिखाता है, वहां पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर बैठा होता है, वो एक लिस्ट के अंदर उस वोटर का आईडी नंबर या सीरियल नंबर और उसका नाम दाखिल करता है और वोटर से कहता है कि आप इस पर साइन कर दीजिए। वोटर उस पर साइन करता है, पोलिंग बूथ के अंदर जाके मशीन तक पहुंचता है, यहां से बैलेट बॉक्स बैलेट मशीन को ऑन किया जाता है और वोटर अपनी वोट डाल देता है। तो जो वोट डलती है वो एक सीक्वेंस के अंदर डलती है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और वही सेम टू सेम सीक्वेंस उस कागज के अंदर प्रिसाइडिंग ऑफिसर रिकॉर्ड करता है। फॉर्म को पढ़ के हम ये बता देंगे कि उसके अंदर किस सीक्वेंस के अंदर वोट डला है, पहला वोट किसको डला है, दूसरा वोट किसको पड़ा है, तीसरा वोट किसको पड़ा है, और इलेक्शन कमीशन के पास वो लिस्ट है कि पहला आदमी कौन था, दूसरा आदमी कौन था, तीसरा आदमी कौन था। अब बात आती है कि सीक्रेट बैलेट बॉक्स का क्या किया जाएगा। आप एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट के अंदर इन कैमरा प्रोसीडिंग्स के अंदर, मतलब जिसके अंदर जनता को ना पता चले कि उसने कहां वोट डाला, आप उससे पूछ लीजिए कमेटी के सामने कि भैया तुमने कहां वोट डाला। अगर वो कहते हैं कि मैंने तो समाजवादी पार्टी को वोट डाला और हम आपकी ही इलेक्शन कमीशन की वोट की मशीन की रॉन्ग को पढ़ के बता देते हैं कि इसका वोट तो बीजेपी को गया हुआ है, तो आप मान लीजिएगा कि धांधली हुई है। और अगर उसने जहां कहा कि उसका वोट जा रहा है, जहां उसने वोट दिया था और जहां पे उस मशीन के अंदर वो वोट स्टोर्ड है वो सेम है, तो मुझे लगता है कि फिर ये देश को मानना पड़ेगा कि उसके अंदर कोई धांधली नहीं है। कल ये रिक्वेस्ट हम सभी लोग, मुझे लगता है कि हम और पार्टी से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि उन पार्टियों की तरफ से भी ये रिक्वेस्ट हम इलेक्शन कमीशन को करें कि इस तरीके की एक छोटी सी कमेटी बनाई जाए, इलेक्शन कमीशन की देखरेख के अंदर बनाई जाए और उस एक्सपर्ट टीम की जिम्मेदारी कि वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो इनकी मशीन को खोल के पढ़ के बता देंगे कि किसने वोट कहां डाली, उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। हमारे पास ये एक्सपर्टाइज है, ये नॉलेज है कि हम ये पढ़ के बता सकते हैं।
तो मैं जब हम कल जाएंगे तो हम ये सारी की सारी बात इलेक्शन कमीशन के आगे रखेंगे। धन्यवाद। चल सकता है सर, बूथ पे किस पार्टी को कितना गैस है, कितना ही पता लग पाता है? मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे टेक्निकल प्रोसेसेस भी उपलब्ध हैं जिसमें उस पर्टिकुलर बूथ पे, उस पर्टिकुलर मशीन पे किसने किसको वोट दिया है वो भी पता चल सकता है। सौरभ जी आज तो आप हर राज्य उसमें टाइम स्टैम्पिंग है, हर वोट हर की जब उस मशीन के अंदर कोई भी बटन दबता है तो उस बटन को दबने का एक निशान उसकी एक स्टोरेज उसकी मेमोरी में जाती है और उसके साथ उसका डेट टाइम मिनट्स और सेकंड्स के अंदर स्टैम्प होता है। और आपको जैसा कि मालूम है जैसे ही वोट डलता है उसके बाद 6 सेकंड की बीप आती है और मुझे लगता है कि 10-15-20 सेकंड दूसरे वोटर को आने में भी लगते हैं। तो एक वोट और दूसरी वोट के बीच में कम से कम भी मैं मानूं तो 20 सेकंड का फर्क होता है और अगर इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर की दुनिया में देखा जाए तो 20 सेकंड बहुत बड़ा गैप होता है जिसके अंदर किसी भी चीज को रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, उसको पढ़ा जा सकता है। सौरभ जी ये मान सकते हैं कि ईवीएम में टेम्पर हो सकता है, लेकिन जब हजारों हजारों में होती है तो उस पर एकदम से इतने सारे लोग कैसे करते हैं? उसके ऊपर भी विचार करेंगे। देखिए अब तो हम आपको बिल्कुल साधारण तरीका ये बता रहे कि आप पता भी कर सकते हैं कि टेम्परिंग हुई थी या नहीं हुई थी। ये सारे क्वेश्चंस आपके वैलिड हैं, उन पे भी समय समय पे चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच। उस पर मोटे तौर पे इलेक्शन कमीशन ये कहता था कि भैया इसके अंदर ऐसी चिप हमने डाली हुई है जिसको ना कोई पढ़ सकता है ना कोई उसको लिख सकता है और उसको टेम्पर ही नहीं किया जा सकता। अब मुझे लगता है जब बहस दूसरे लेवल पे जाएगी कि हाँ अगर टेम्पर किया जा सकता है तो कितने लोग थे, कब टेम्पर किया गया, उसके ऊपर भी उस प्रोसेस पे भी आएंगे और उस पर भी बात करेंगे। मगर मैं चाहता हूँ कि पहले हम इस स्टेज को क्लियर करके नेक्स्ट स्टेज पे चले। थैंक यू।